नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं WTI क्रूड ऑयल की। आप इन चार्ट्स पे एक लाइन देख रहे होंगे, एक ट्रेंड लाइन देख रहे होंगे ब्लू कलर की, जो ये ट्रेंड लाइन है। अभी इसमें ये डेली चार्ट से इसका मतलब नहीं है, मैं पहले वही आपको बताता हूँ कि ये कौन सी ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है। ये देखिए, ये इसका ये सपोर्ट लेवल है। कुछ इन्हें एक्सटेंड करते हुए ये ट्रेंड लाइन आगे की तरफ बढ़ रही है और ये $40 के अराउंड अभी करंटली इसका जो प्राइस है वो निकल के आ रहा है। और करंट प्राइस अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो वो है 40.92, मतलब लगभग बिल्कुल $41 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये जहाँ पर ट्रेड कर रहा है वो एग्जैक्ट इसका रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर थोड़ा सा अगर ये क्रूड ऑयल ने जो बहुत टाइम से सस्टेन करने की कोशिश नहीं करी, वो अगर ये सस्टेन करता है इसके ऊपर, तो इसमें आज हम एक अच्छी खासी तेज़ी आते हुए देख सकते हैं। देखिए, पहले मैं आपको वही चीज़ें दिखाता हूँ। 4 घंटे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये जितने पॉइंट्स हैं ये इसके रेजिस्टेंस लेवल है। देखिए, अगर ये रेजिस्टेंस अगर ये ब्रेक कर देता है तो आप ये गलती मत कीजिएगा कि आप क्रूड ऑयल में सेलिंग में रहें। मार्केट जो है वो काफ़ी बड़े लेवल आपको दिखा सकता है। ऊपर में कहाँ तक जाएगा वो भी कह नहीं सकते। 46-47 डॉलर का एक इजी एक लेवल लग रहा है जो आने वाले कुछ दिनों में हमें देखने को मिल जाएगा। अगर ये 41 डॉलर के ऊपर सस्टेन करता है, नीचे में हमारा एक एक मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा 39 डॉलर का। जैसे ये 41 डॉलर अगर ब्रेक करता है तो 2 डॉलर का एक मैं नीचे की साइड में एक मार्जिन मान के चल रहा हूँ और ऊपर का जो मैं एक लेवल देखना देखूंगा। अगर 41 डॉलर ब्रेक कर देता है तो वो लेवल होगा 46-47 डॉलर का, जो बहुत इजीली अचीव होना हो जाना चाहिए आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ट्रेंड हमें WTI क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है। आइए बात करते हैं कल जिस तरीके का ट्रेंड रहा था। कल मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला था। इनिशियली ऊपर गया, नीचे गया और इवनिंग सेशन में इसमें एक डाउन साइड आई भी थी, पर एकदम से उसने जिस तरीके से रिकवर करा तो वो एक अच्छे साइन थे क्रूड ऑयल में। जिस तरीके का इसका एक ट्रेंड बना हुआ है और वो कंटिन्यूएशन में है। अभी जो प्राइस चल रहा है ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पे है। देखिए, अगर कुछ एक सेलिंग आनी होगी तो बहुत एकदम से इसे नीचे की तरफ मूव करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बिल्कुल रेजिस्टेंस पे 41 डॉलर के ऊपर अगर ये आज सस्टेन कर लेता है तो इसमें एक तेज़ी आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लग जाएंगी। ठीक है, और ये देखिए, ये मैं 4 घंटे के चार्ट पे आपको यहाँ तो मैं दिखा ही चुका हूँ, मैं आपको डेली चार्ट्स पे दिखाता हूँ। यहाँ हम देखते हैं, ये देखिए, ये पूरी ये डॉटेड लाइन ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। ये जैसे ही अगर ये ब्रेक होगी तो क्रूड ऑयल जो है वो एक नए हाइज लगाने के लिए रेडी हो जाएगा, जो इसने मतलब इस फॉल के बाद से अभी तक नहीं लगाया है। तो इस फॉल के बाद अगर ये हाइज लगाने की कोशिश करेगा तो 46-47 डॉलर के मेरे इमीडिएट टारगेट रहेंगे, और उसके ऊपर कहाँ जाना होगा, कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, वो तभी देख कर पता चलेगा मार्केट की मूवमेंट को देखते हुए। पर फिलहाल आप अगर इसमें सेलिंग करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए मार्केट में सेलिंग के इंडिकेशन, क्योंकि अभी कहीं से कहीं तक नहीं आ पा रहे हैं। पर ये अपने रेजिस्टेंस पे ज़रूर है और रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगा तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी इसमें हमें देखने को मिल सकती है। मैं वापस 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप इंट्राडे की बात करें तो मैं आपसे कहूँगा कि एक लेवल 4040 यहाँ पर इसका सपोर्ट लेवल है। ये किसी इस रेंज में आकर मतलब एक मेजर सपोर्ट लेवल इंट्राडे के लिए वो ये है 40.40। यहाँ पर आकर ये मैक्सिमम कहीं से एक टर्न मार सकता है, तो वो भी चीज़ हमें कंसिडर कर सकते हैं कि कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा। अदरवाइज़ इसमें जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ वो बनना शुरू हो जाएगा और वो इन्हीं लेवल से कहीं से कंटिन्यू रहेगा ऊपर की तरफ में। तो अगर आप सेलिंग करने का सोच रहे हैं तो आप अभी अवॉइड कीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस से उसे ब्रेक करने का आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर ब्रेक करके ऊपर ये सस्टेन करता है तो तेज़ी काफ़ी अच्छी हो सकती है। अदरवाइज़ इसमें जो सेलिंग है वो सेलिंग 39.50 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो ही आप थोड़ा सा आप सेलिंग में आप एंट्री लीजिए। अदरवाइज़ इसमें जो ये बहुत लंबे टाइम से जो ये ट्रेंड इसका चलता हुआ आ रहा है वो बहुत ही एक नैरो रेंज में है।